हेलो दोस्तों, हाय मालती सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आप लोग को गांव का नज़ारा, गांव का सबसे हरा भरा ब्यूटीफुल नज़ारा आप लोग को दिखाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल में, और इतना सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए आप लोग को अगर अच्छा लगेगा, इतना सुंदर, इतना अच्छा मौसम में इतना हरा भरा देखने के लिए आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को हम दिखा रहे हैं चारों तरफ कैसा है ये नज़ारा, क्योंकि अभी तो धान का सीजन है दोस्तों। तो आप लोग धान देखिए कैसे हुआ है इस बार खेत में, धान कैसे हुआ है, और पूरा धान और जो हरा हरा जो गच सब है उसको हम दिखाएंगे गांव में कैसा लगता है रहने के लिए। इतना सुंदर मौसम और इतना अच्छा नज़ारा देखने से ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये नज़ारा ना दिल खुश कर देता है और माइंड भी फ्रेश करता है। तो दोस्तों आप लोग को ऐसे मौसम और ऐसे नज़ारा देखने के लिए कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतना सुंदर बादल, उसके बाद इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर मौसम, इतना सुंदर सुंदर गच, हरा हरा धान, बहुत अच्छा लगता है ना। तो दोस्तों पूरा माइंड कूल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों किसका किसका गांव में ऐसे मस्त खूबसूरत सा नज़ारा है वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, ये समेर का गज है, हम लोग बोलते हैं इसको समेर का गज। और इसका में जो जो कांटा निकलता है ना, कांटा निकलता है उसको हम, वो कांटा को निकाल के हम लोग उसको हम जैसे पान खाते थे और जो लाल लाल निकलता है ना, वैसे ही इसको खाने से ना लाल लाल निकलता है मुंह से, और पूरा कलर आ जाता था जीभ में, जब कलर आ जाता था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था उस टाइम जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो ये समेर का गज का कांटा जो है ना, उसको हम पुटूस के पत्ता रहता है ना, उसके साथ हम लोग खाते थे। तो दोस्तों बचपना में भी जो जो बीता हुआ है वो सब याद करने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा वो समेर का जो है ना, समेर का वो जो कांटा है आप लोग खाते हैं कि नहीं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस बार धान तो थोड़ा अच्छा हुआ है, इतना भी बुरा नहीं है, बारिश हुआ तो धान बहुत अच्छा ही हुआ है। और आप लोग का तरफ धान अच्छा हुआ है कि नहीं कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज तो हम बहुत दिखाए ये गांव का नज़ारा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस इतना ही, बाय बाय।